वेलकम बैक टू माई चैनल. मेरा नाम है भाग्यश्री और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ टू बी ऑनेस्ट फीचरिंग इरफान जुनेजो. एंड लास्ट टाइम आई वॉज स्लाइटली अनइनफॉर्म्ड. मुझे पता नहीं था कि तबीश हाशमी एक्चुअली इज वन ऑफ द स्टैंड अप कमेडियंस. एंड आफ्टर दैट वीडियो आई वेंट एंड सॉ सम ऑफ हिज स्टैंड अप वीडियोज एंड पर्सनली आई loved it. He was so funny and kuch jokes pe to I was kind of surprised, like they were amazing. But abhi main intro zyada lamba nahi rakhne wali hu. I will talk about this after watching the video. Now I'm very excited because Irfan Junejo is going to be a guest in this video and I cannot wait to see it. So original link is in the top of the description. Make sure you check out the original video and you support them. Now let's begin. तो पाकिस्तान में हर किस्म के सेलिब्रिटीज मौजूद हैं. कोई क्रिकेट में है, कोई स्क्वाश में है, कोई एक्टिंग में है. मगर YouTube के ऊपर हमने कोई खास सेलिब्रिटीज प्रोड्यूस नहीं किए. जो अच्छे थे वो सब कुछ ना कुछ ऐसा करके अच्छे बने जो नॉर्मल इंसान शायद ना कर पाए. बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिसेंट काम किया और पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब सेलिब्रिटी बनने का ऑनर हासिल किया. ऐसे ही एक शख्स को हमने आज बुलाया हुआ है आपकी भरपूर तालियों में, इरफान जुनेजो. He is a legend. अच्छा इरफान जी, जी आपको तो जैसे पता ही है कि आप एक बड़ी सेलिब्रिटी हो चुके हैं. मुझे सेलिब्रिटी का टाइटल अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या कहूं आपको, मजदूर यूट्यूबर. यूट्यूबर सेलिब्रिटी नहीं है. मैंने अपनी जितनी भी वीडियोस बनाई हैं वो यही एस्टैब्लिश करके बनाई हैं कि आई एम अ कॉमन मैन, यू कैन रिलेट विद मी. तो अगर वो सेलिब्रिटी लगता है ना तो वो पूरी वही. मगर ये कॉमन आदमी इस नियत से तो वीडियो बना रहा है ना कि मशहूर होना चाहता है. मशहूर होना जो चाहते हैं वो अलग किस्म की वीडियोस बनाते हैं, जो आपने इंट्रोडक्शन में बोला. आई लाइक मेकिंग वीडियोस. दूसरा मुझे पैसे कमाने. सही बात है. तो रातों रात अमीर होना है तुम्हें मेरी. रातों रात नहीं, बहुत दिन बनाते. नहीं देखो, रातों में साफ काम करके भी आदमी अमीर हो सकता है. जरूरी नहीं है तुमने गंदगी इसमें बीच में डाली है. टोपी पहनते हो या कोई पहना देता है? टोपी यहाँ से शुरू हुई थी कि मैं पहले फोन पे वीडियोस बनाता था. ठीक है. तो फोन आपको कहीं बैलेंस करने के लिए टोपी रखनी पड़ती थी. अच्छा. तो वो फिर वहीं से ही वो लग गया, मेरे इमेज के साथ एसोसिएट हो गया. तो अब मुझे भी अच्छा लगता है. वो ऐसा होता है ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई गर्म चीज रखी हो तो लोग कहते हैं इसको ढक दो. गर्म हो. नहीं नहीं नहीं. इरफान ये बताएं कि पाकिस्तान में स्पेशली हम कराची में जब हम किसी सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले आदमी से बात करते हैं तो हमें लगता है बाय डिफ़ॉल्ट ये पीपल्स पार्टी का सपोर्टर है. बाय डिफ़ॉल्ट. तो क्या आप हैं? मैं पीपल्स पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ. हाफ ऑफ माई फैमिली इज़ उर्दू स्पीकिंग. हर किस्म के स्टीरियोटाइप्स हैं. ठीक है. अगर आप किसी को माजिर बोल दें तो आपको पता है किस पार्टी का नाम आएगा. बिल्कुल. हाँ, इसका आएगा PSP का. आप लोगों को पता है कि इरफान जो है वो बेसिकली एक कंप्यूटर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. नहीं नहीं, मैंने तो मैं बिजनेस स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे फोटोशॉप वगैरह ये सॉफ्टवेयर वगैरह सीखने का शौक था. तो आई स्टार्टेड गोइंग इन टुवर्ड्स यूआई यूएक्स. ओ अच्छा यार, तुम मेरी तस्वीर लगा सकते हो फवाद खान की बॉडी पे. लगा लोगे ना? अच्छी नहीं लगेगी. ये कहें कि यूआई डिजाइन करते थे, फ्रीलांस करते थे और चल रहा था ठीक ठाक कारोबार. सही चल रहा था, कुछ इतना खास नहीं था. तो फिर इसीलिए छोड़ते हुए अफसोस भी नहीं हुआ होगा. आई डोंट नो कि YouTube से इतने पैसे आ सकते हैं. तो कितने आ जाते हैं? मैं टैक्स के मसलों में फंस जाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा. अच्छा, अच्छा. लेकिन जो स्पॉन्सर्ड वीडियोस होती हैं, दे एंडोर्समेंट्स करते हो या प्लेसमेंट्स करते हो, दे पे अ लॉट. हिंट तो दो. फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास जोश आ जाए. नहीं, जोश द बैंड. 5-1 लाख की फिगर नोट कर लो, ये नैप को भेज दूंगा. अच्छा, तुम्हारे कोई रेस बाइक्स, हैवी बाइक्स जो हैं, कोई फेटिश है? मतलब जैसे मुझे गाड़ियों का बड़ा शौक है, विंटेज कार्स का बड़ा शौक है. मुझे स्पोर्ट्स बाइक्स अच्छी लगती हैं. अब कैप 2 बाइक. ओ नाइस. तो मैं तो शादियों फोटोग्राफी की, उससे भी पैसे. जब मैं बाइक लेने के लिए हर चीज़ करने को तैयार था. हर चीज़? बस 2-3 चीज़ें रह गई थी. ठीक है. मुझे बाइक लेनी है. पहले 600cc थी, यामाहा R6. अच्छा. अब R1 है, 1000cc. सारे एसेट्स नोट कर ले. सारे 14 लाख की बाइक ही कर लो. नहीं, अब नहीं है. नहीं, अभी एक ही है. अब क्या है? अभी बाइक ही एक ही है. एक ही बाइक है.
एक बाइक एक काट दो असासे इनके मनी ट्रेल में आखिर में लूंगा इनके तो तुम्हें गाड़ियों का शौक है, तुमने कभी इस तरह बाइक चलाई है यूं साइड पे बैठ के? नहीं, वो होता है ना नहीं चलाई नहीं, मुझे बड़ा, मैं जब कभी यूं लेट क्यों चलाते हूं मुझे जब से हम बाइक से गिरा था मेरे ये सारे शौक उतर गए थे। टेल अस अबाउट दिस। हां, बाइक से गिरे कैसे थे और जो बाइक चलाते हैं इस तरह यूं मेरी तरह उनको क्या कहना चाहोगे, बाइक से गिर भी जाते हैं? नहीं नहीं, मैंने ली थी, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि हाउ टू, अगर सामने भी जो जाते आप ब्रेक कैसे करते हैं। तो सामने नया नया कोई ब्रेकर बना था, मुझे पता नहीं था, मैंने फ्रंट ब्रेक दबा दी, दबानी दोनों चाहिए थी जी। और बाइक थोड़ी सी टेढ़ी थी तो उसका फ्रंट टायर स्लिप हो गया। तो बहुत अफसोस की बात है यार। और तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें मुझे तुम्हारा बाइक बहुत स्लो थी तो मुझे तुम्हारा स्पेयर पार्ट तो नहीं खराब हुआ? खराशें आई, ये पेंट फट गई उस दिन से, ये पेंट है। तो तुमने बाइक चलाई, बाइक गिराई, बाइक से जख्मी हुए, फिर भी बाइक का शौक है? हाँ, ये वही मिसाल हो गई कि आप गर्लफ्रेंड से कितने ही ब्रेकअप हो जाएं, हाँ। लड़कियों का शौक रहता ही है। अच्छा, ये फोटोग्राफर जो होते हैं, हाँ। जो शादियों में तस्वीरें लेते हैं, हाँ। ये तस्वीरें कम लेते हैं, लोगों की ज्यादा ले रहे होते हैं। स्टाइल, सिग्नेचर स्टाइल होता है, सही है, कुछ ऐसे जैसे सस्ते फोटोग्राफर आते हैं, एक्सक्यूज मी, स्माइल प्लीज, थैंक यू, इस तरह स्टाइल हो। तुम्हारा क्या था? मैं, मेरे मुंह से पूरे इवेंट में कोई अल्फाज नहीं निकलते। तो रेडी चिचित करते थे, क्या करते? मेरा काम ही नहीं है वो, उसके लिए तो मैंने एक दोस्त रखा हुआ था, वो करता था कि आप इधर से आ जाएं, यस रेडी। मैं तो कैंडिडेट खींचता था चुपचाप कोने से, ये वो। और नए दूल्हा दुल्हन कैंडिडेट पिक्चर्स भी अच्छी देते हैं, अगर पुराने दूल्हा दुल्हन कैंडिडेट पिक्चर्स दे रहे हो तो आएंगे। तो अच्छा, तुम शादी में जब जाते थे तस्वीरें लेने तो तुम जासूसी भी करते थे? ऐसा होता है ना, अब तुम उनके पीछे लग गए कि पूरे शादी के सीजन में उनकी तस्वीरें खींचता रहूंगा। आप बैठे हुए अंकल बाथरूम में, अंकल अंकल आपका नाम है लिस्ट में। ये आपने बड़ा अच्छा, वैसे सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, नहीं नहीं प्लीज, लेकिन आपने जो बोला बिगाड़ के भेजूंगा, तो व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस मैं किसी सेलिब्रिटी को नहीं जानता था, तो आई स्टार्टेड मीटिंग सेलिब्रिटीज आफ्टर मेकिंग वीडियोस। आई मेड अ फ्यू सेलिब्रिटीज, मुझसे थोड़ी बहुत हेलो हाय बातचीत होती थी, देन आई उनको वो मुझे बोलते थे कि यार तुम नहीं चल पाओगे इधर। मुझे बहुत कोशिश की मैं इंडस्ट्री में आया ना, लोगों ने कहा भाई आजा आजा आजा, ये कर ले वो कर ले, मैंने कहा नहीं भाई नहीं 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 ऐसा नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं करूँगा, बस दो बार कहा फिर कर लिया। हम मजबूत रहेंगे इरफान, हम नहीं चर्स पिएंगे। तुम्हारे अब्बा इस पर प्राउड फील करते हैं? मेरे अब्बा तो, माय फादर पास्ड अवे व्हेन आई वाज 5 इयर्स ओल्ड। ओह, तुम घर से कुछ नहीं लेते अब, रहते हो लेकिन घर में, ठीक है, अलग तो नहीं हो गए? ये होता है ना, बंदा मशहूर हो अलग हो जाता है। मुझे शौक नहीं है वो। घर में कौन कौन है? घर में अम्मी है, भाई है, भाभी हैं। तो मतलब मेरे ख्याल से कुछ और करेक्टर्स घर में हो सकते हैं। और कौन होगा? कह रहे और कौन होगा, अरे पगले शादी भी होती है। इतनी इतनी गहराई वाली बातें कि हमने कभी ताली नहीं बजाई शादी पे, हमारे सब खुश है। अब पता चल, जो लोग कह रहे हैं ना, लड़के तो कह रहे हैं अब पता चलेगा इसे। मैं इलास्टिक की सलवार पहनता हूँ, ठीक है, बड़ी डेंजरस, ये रिस्क टेकिंग एबिलिटीज है मेरे अंदर, डेयरिंग है, बहुत डेयरिंग हूँ मैं। इलास्टिक की सलवार, तो तुम इलास्टिक की सलवार पहनते? नहीं, मैं काफ़ी साल हो गए छोड़ दी। अरे यार, पता नहीं क्यों इलास्टिक की सलवार को लोग समझते हैं यार बचपन की कहानी, भाई मैं तो अभी भी पहनता हूँ। वो कम्फर्ट की बात है, आप कैरी कर सकते हैं, आप करें। अरे नॉट फंस जाती है ना यार, वो नाड़ा होता है ना, हाँ। वो फंस जाते हैं मुझसे। आप क्या, अब इमरजेंसी में क्या करूँ? आप वो झंझन वाला तो नाड़ा नहीं पहनते? हाँ, वो लंबे वाले ना। हाँ, झंझन वाले। खतरे की घंटी मैंने नाड़े में मारनी दी है। जो हमारी जिसे कहते हैं ना मुबैना भाभी हैं, या वो इलेक्शन वाले दिनों में गैर मुसद्दिका भाभी जो हैं, गैर सरकारी, तो वो तुम्हारी मोहब्बत मोहब्बत की शादी जिसको तुमने कन्वर्ट किया है दोस्ती को रिश्तेदारी में, लव मैरिज, सोशल मीडिया से है? नहीं, सादा खुशबू, मतलब सादा खुशबू इन द सेंस के यूट्यूब पे वीडियोस बनाने से पहले से है, पुराना पुराना हिसाब के दादा, स्कूल के जमाने से? नहीं नहीं, कॉलेज का थोड़ा बात, कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी, हां। रोल नंबर क्या था? मेरी यूनिवर्सिटी की नहीं है। अच्छा, यूनिवर्सिटी कोई और है? वो जो है ना भाभी आपकी, शरीफ मेरी, हाँ भाभी, चलो भाभी कहो, मैं तो उसको बहू कहूँगा। तो बड़ा हूँ भाई, मेरी एक दोस्त की कज़न है वो। दोस्त की कज़नें महफूज नहीं है तुमसे? अब है, अब है, हाँ। दोस्त की कज़न, अबे तो पहली मुलाकात कैसी हुई दोस्त की कज़न? यार मैं शादी में गया था उनकी, घर में कोई शादी थी, घर में घुस गए तुम, उनके घर की शादी थी, मैं गया था शादी में, मैंने बोला मैं तो शादी यहीं करूँगा,
मैं मुझे देख के पसंद आ गया। तो जिनकी शादी थी उनकी किससे हुई फिर? वो मेरी वो है सिस्टर इन लॉ, भाभी हैं, उनकी बहन की शादी थी। इतना कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, कितने सिस्टर इन लॉ की बहन की शादी थी जहाँ तुम्हें बहू मिली? अरे नहीं भाई, मेरी दोस्त थी सिस्टर की बहन, मेरी दोस्त थी बस। अभी आप कनेक्ट कर दो, दोस्त कोई नाम दे दे, एक्स दे देते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, एक्स तुम्हारी दोस्त, एक्स मेरी दोस्त है, उसकी कजन है वाई। चलो ठीक है भाई, जिससे मुझे शादी करनी है। एक्स तुम्हारी दोस्त है, कजन है वाई, जिससे तुम्हें शादी करनी है। भाई कैसे मिला? उसकी बड़ी बहन है जेड। सही है, जेड की शादी थी, जेड जिससे मैं गया था। सही है, तो रीच आउट कैसे किया, अप्रोच कैसे किया? मैंने अपनी दोस्त को बोला कि यार हम कहीं चलते हैं खाने पे, दोस्त। हाँ, उसने बोला हाँ हाँ चलो, मैं बोला तुम्हारी कजन फ्री है, तुम्हें क्या करना है? समझ गई होगी, लेकिन तब भी उसने पूछा तुम्हें क्या करना है, तुम बोलते मुझे एक पाव दही लेना है। क्या सवाल है? तो मैं बोला मुझे काम है। हाँ ठीक है, मुझे थोड़ी बातें पूछनी है, क्योंकि शी इज अ लॉयर, मेरा केस चल रहा है। ठीक है, बस लॉ की तो कोई बात नहीं हुई। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इम्प्रेस करूँ। इंप्रेस कर पाए हिस्ट्री? हाँ, अपेरेंटली शादी हो रही है तो शादी हो रही है, तो अपनी वाइफ को क्या कहोगे, मी लॉर्ड कहोगे? सबसे ज्यादा ओवररेटेड सोशल मीडिया सेलिब्रिटी कौन है? ओवररेटेड, और ऑनेस्ट जवाब चाहिए, नाम चाहिए मुझे। ओवररेटेड कोई भी नहीं है, सब रेटेड है। 18 साल कोई ऐसा नहीं है जिसको जो फेम मिली है वो डिजर्व नहीं करते, वो डिजर्व नहीं करते। चलो यही कौन है, नाम ले दो एक किसको। यही तो कह रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है जो फेम उनको मिली है वो डिजर्व नहीं करते। एवरी देखें सोशल मीडिया, मैं कोई सेफ जवाब नहीं दे रहा। हाँ, आपका जिस तरह का कंटेंट है यू विल गेट दैट सॉर्ट ऑफ फॉलोइंग। इसमें कोई ये नहीं है कि जिसको आप किसी को फॉलो बटन प्रेस नहीं करवा सकते। कभी कोई ऐसा कॉन्टेंट देखा जिसको देखने के लिए VPN लगाना पड़े? नहीं, तुम्हारा सारा कॉन्टेंट बगैर VPN के चल रहा है। ये ना हो तुम VPN लगा के कुछ देख लो, फिर वैसे ही कंटेंट बनाने लगो जैसे तुम कह रहे हो। ये वाइन्स आती हैं, वाइन्स ये वाइन सबसे थकी हुई वाइन्स कौन बनाते हैं यार? ये तो आपको मतलब ऐसा होता है ना, आप बनाते हैं यार, चलो फॉलोअर हैं उसके, मगर फॉर इरफान जुनेजो सबसे थका हुआ काम किसका है? शामिद्रीज का थका हुआ काम है ना, मुझे भी यहाँ ऐसे ही लगता है, क्योंकि वो कुछ उखाड़ नहीं सकता पाकिस्तान में, तो है नहीं वो, तो आराम से काम दिया जा सकता है। अभी सवाल खतरनाक है, खतरनाक सवाल आ चुका, गंदे धोखे हमें इस्तेमाल करने होंगे सवाल। इरफान, अगर मेरा डैश लंबा हो जाए तो मैं करियर में बहुत आगे जाऊंगा? अगर मेरे बैंक अकाउंट का नंबर बड़ा होता है, बैंक अकाउंट का नंबर तुम्हारा बड़ा हो जाए, अभी कितना है? 9, मतलब कितना है? इतनी अच्छी मैच मैच नहीं है मेरी। अच्छा सही, ठीक। तो ये अच्छा, ये एक और इम्पोर्टेंट सवाल आ चुका है, हिस्टोरिक सवाल है। अगर मैं दोनों उठा लूँ तो मैं अपने तो मेरे बहुत सारे काम निकल सकते हैं, क्या दोनों उठाओगे तुम? अगर मैं अपनी फुटबॉल थोड़ी रेगुलर कर दूं, फुटबॉलिंग स्किल और फिल्म मेकिंग को साथ साथ लेके चलूं, हाँ, तो तू वाकई बेटा होम्योपैथिक जिंदगी गुजारेगा। अच्छा, आखिरी और हिस्टोरिक सवाल के, डैश मरवाने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता, डैश मरवाने से कोई आदमी बड़ा आदमी नहीं बन जाता, डैश मरवाने से। अब डैश मारो। अगर इसका मतलब मेहनत करना है ना, तो फिर आए डिसएग्री। अरे मेहनत मरवाने से थोड़ी मेहनत मेहनत मरवा कह सकते हैं आप, डैश मरवाने से कोई आदमी बड़ा आदमी नहीं बन जाता। आप ही सब मैं ही। अरे बंदे मरवाने से यार, लोग समझते हैं ना बंदे मरवाने से। ना मैं कहाँ सोचूंगा यार, आप तो तुम क्या सोच रहे थे? मैं मेहनत ही सोच रहा। MCQs और बहुत छोटे छोटे MCQs में बहुत जल्दी जल्दी हल हो जाएगा ये, कि इनमें से कौन सा सेलिब्रिटी करप्शन में पकड़ा जाएगा। ऑप्शन दे रहा हूँ, जुनेद अकरम, मुरू, अली गुल पीर, फायजा सलीम, और चलो मुझे डाल लो जुनेद अकरम, करप्शन में पकड़ा जाएगा, पकड़ा भी गया तो एक बार। अच्छा, इन पॉलिटिशियंस को किन एक्टर से रिप्लेस किया जा सकता है? और मैं ऑप्शन एक एक करके दूंगा। इमरान खान, मैं तुम रिप्लेस करना चाहते हो? मरियम नवाज को किससे रिप्लेस किया जा सकता है? मरियम नवाज और कौन है इस तरह, वो फ्रॉगी शामिद्रीस वाली। ओह बुरी नहीं है, शी इज नॉट बैड। काम मतलब। अच्छा, फवाद चौधरी को किससे रिप्लेस किया जा सकता है? फवाद चौधरी तो बिल्कुल पीफर पका, वो नादिर की तरह लगता है। तो डायरेक्टर बनना चाहते हो, किस किस्म की मूवियां बनाओगे तुम?
तुम्हारी मूवी से पहले डिस्क्लेमर क्या आएगा, 18 VSNL, 16 VSNL क्या आएगा? मैं बचपन से बॉलीवुड मूवीज देखता था, तो जो भी गैंगस्टर फिल्म्स होती थी ना क्राइम पे, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। तो कराची पे बहुत सी स्टोरीज बन सकती हैं, क्योंकि कराची में क्राइम सबसे ज़्यादा होता है बाकी शहरों के मुताले। हम लोग ये सोचते हैं जब भी कि गैंगस्टर मूवी बनानी है, तो मैं सोचता हूँ यार जो इंडिया में बनती है ना, उनकी एक गैंगस्टर्स की ज़ुबान है, एक अलग ज़ुबान है। हमारे यहाँ इस तरह हमारा गैंगस्टर भी बॉलीवुड का हो गया असल में। मसला ये हम भी बॉलीवुड की तरह ही गैंगस्टर सोचते हैं अपना, जबकि हमारा गैंगस्टर बॉलीवुड जैसा नहीं है। हमारा गैंगस्टर बेसिकली तो एक तो नज़र भी नहीं आ रहा, फ़ोन पर आ रहा है वो तो वो तुम हमारा जो गैंगस्टर होगा, लेट से हम कहते हैं कि हमारा गैंगस्टर है वास्तव का जो गैंगस्टर था संजय दत्त का जो रोल, हमारे यहाँ उस रोल में किसी को डालो। मेरा कोई इतना इंटरेक्शन रहा नहीं है गैंगस्टर से। मुझे डायरेक्ट करो, मैं एक अच्छा एक्टर हूँ अपने दिल में सोचा मैंने, तो मुझे डायरेक्ट करो कि मैं भत्ता लेने जा रहा हूँ। तो आपने कन्वे ये करना है कि आपके घर वाले आपको लूजर समझते थे, ठीक है, अभी आप बड़े गैंगस्टर अमीर होके वापस आए। अच्छा, कराची का गैंगस्टर है ना, ठीक है, और ये है भी सस्ता गैंगस्टर, ठीक है। तो फिर इसको इसका करेक्टर ऐसा होगा कि 1 2 3 माँ बोले का बात 80,000 की तो घन हो गई, ठीक है, नोट अबू नोट कर ले, 80,000 के घन है, 25,000 का मैंने ये वॉलेट लिया हुआ है अम्मी, आपके लिए मैं चेन लाऊँ 10,000 की और तुम कंफर्टेबल फील करते हो कि तुम कर रहे हो, तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन है कि मैं यंग लोगों पे और जो वो माइंड्स हैं जिनको अभी भी मोल्ड किया जा सकता है उन पे अच्छा इम्पैक्ट डाल रहे हो, ये कंफर्ट है तुम्हारे अंदर? अगर मैं इतना सोचूंगा तो मैं वीडियोस मुझसे बनेंगी नहीं, 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 नहीं। वो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, ठीक है, कि अब बस आपको नेक फरिश्ता रहना है। ये तो तुम अभी समझते हो ना कि तुम्हारा कोई कॉन्टेंट ऐसा नहीं है जो गलत इन्फ्लुएंस दे रहा हो लोगों को। मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि अच्छी चीज़ से भी लोग जिनको ख़राब निकालना होता है वो निकाल लेंगे। तुम्हें डर लगता है इससे कि यार ये मुझे फतवे लगा देंगे, कभी हो कुछ भी हो सकता है? डू यू गेट स्केयर्ड? मुझे डर तो नहीं लगता, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहा है कि मैं आई हैव सेलेक्टेड अ फ्यू टॉपिक जिनके बारे में मैंने सोच लिया कि मैं बात नहीं करूँ। जैसे कि रिलीजन, पॉलिटिक्स, ठीक है, और आर्मी। इसके अलावा कहीं ना कहीं चलता है, और मैंने अपने ऊपर ना एक चेक लगाया हुआ है। जब ये पटरी इधर थोड़ी एक्टिविज्म की तरफ जाने लगती है ना, मैं अपने आप को बोलता हूँ इरफान भाई आपके पास कंटेंट खत्म हो गया जो आप इस तरफ जा रहे हैं, नहीं ना, तो फिर अपने काम पे ध्यान दें। ये बंदा इरफान, मुझे ना तुमसे बात करके इतना मजा आ रहा है, क्योंकि जब मैं 28 साल का था ना, तो मैं बिल्कुल भी इतना डीप और आई विश मैं इतना ही स्ट्रॉन्ग हेडेड होता अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच इरफान, दैट वाज इरफान बिन्नेजो। Assalamualaikum, my name is Irfan Junejo and I was a guest at To Be Honest. Do like it, subscribe it, follow it. और अगर आप ऑफेंड हो जाएं, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी बात हुई और अगर आप ऑफेंड हो जाएं तो सॉरी। So cute. I mean the end. That was really a great episode. Or his answers, they were so intelligent. मतलब और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग you know they just try to pretend to be intelligent. But when he was speaking, we could clearly see कि it has come over a period of time. As he said कि his experience has not been that great. And what he said about not talking on those three things in your content in life, it is very important. Matlab, I get it because I am still a very very small person on internet, but I have so many opinions, or it is so difficult for me to keep my mouth shut, or at times I lose it. इसलिए what I try to do mostly is I put it in my stories, so it will go away eventually. Because posts में डालूंगी तो I don't know it will land me in trouble eventually. But yes, I get what he says, and it is not wise to comment on these things, because ये इतने sensitive और delicate things हैं, and it is really
scary to talk about all of these things. But I totally lost my track. It was primarily such a funny episode. Now that I know ki he's a stand-up comedian, I saw this episode in a very different way. Matlab last time jab maine dekha tha na, then my focus was entirely on Muru, and I was not really मैंने इनके बहुत सारे जोक्स तब मिस कर दिए थे बिकॉज आई सॉ द सेम एपिसोड बाद में क्योंकि एडिटिंग के टाइम आई हैड टू सी इट. तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कितने सारे जोक्स मिस किए बिकॉज मेरा ध्यान नहीं था. आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपन बट नाउ आई न्यू इट ना तो मेरा ध्यान था. एंड ही इज ब्रिलियंट लाइक आई लव्ड हिज जोक्स और बहुत अमेजिंग बहुत मजा आया. एंड इरफान के आंसर्स तो लाइक ये तो मतलब काफ़ी सीरियस आंसर था बट अदरवाइज ऑल्सो विदाउट रियली बींग डिप्लोमैटिक ही गेव सच अमेजिंग आंसर्स. एंड थ्रू आउट एपिसोड जो उनका स्माइल था इट इज सच अ प्लेजेंट स्माइल एंड ही हिमसेल्फ इज सच अ प्लेजेंट पर्सन. आई हैव मेड एन एंटायर वीडियो डेडिकेटेड टू टॉकिंग अबाउट हिम बिकॉज honestly for me he has been such an inspiration and I know I'm starting again but you guys know I'm really a huge fan and itna positive influence raha hai unka although he doesn't like to think that way ki, you know he's influencing people but still he has had a very positive impact on my life and it is not through his talking it is through how he is, how he has evolved over a period of time, how he has gone for what he wanted, and how he tries to perfect things that he's making. He might not even be trying to make it perfect, but हमें तो वो perfect ही लगता है. Just his videos, like I'll tell you. most of you guys who follow me on my Instagram know ki I don't sleep at night. Like I have this crazy problem. I think I don't know. Main din mein to soti hu, it's not like I can't sleep at all. I sleep during daytime, but raat ko mujhe neend hi nahi aati. And night is a very scary time to be awake alone because bahut silence hota hai and your brain has full freedom to go anywhere it wants and it can really land you in dark places. So mostly I try to samajh mein aata hai kyunki we are going on that way. So mostly I try to divert my mind divert my attention and at that time I see his older vlogs and trust me it changes my moods so drastically. Matlab क्योंकि हर वीडियो इतना पॉजिटिविटी देता है ना. आई थिंक इट इज़ बिकॉज ही हैज़ मेड इट विथ सो मच पॉजिटिविटी एंड पैशन एंड एवरीथिंग कि व्हेन अ पर्सन सीज इट ही और शी ऑटोमेटिकली फील्स दैट पॉजिटिविटी एंड इट हैज़ बीन अ ग्रेट ग्रेट सपोर्ट फॉर मी. सो या I am always going to look up to him and I'm always going to have huge respect for him and whatever he makes in future I wish him all the best. Like I know he is not seeing but you know ki my wishes are always going to be with him and I am excited to see whatever he plans to make in the future. And if he is planning to make wo gangster type of movies then I am so excited for it because I love those kind of movies. Like apart from horror, if there is something that really interests me is something like this. So if he makes aisa koi movies then agar immediate future mein nahi hai तो ग्रेट बिकॉज फिर मैं नहीं आ पाऊँगी. बट अगर एक हाथ साल के बाद ऐसा कुछ आता है तो आई विल पर्सनली मेक श्योर टू कम टू पाकिस्तान एंड वॉच इट इन द थिएटर. अभी इमीडिएटली आई कांट से कि मैं आ सकती हूँ बिकॉज थिंग्स आर रियली वियर्ड आउट देयर इन द वर्ल्ड. लाइक इंटरनेशनल ट्रैवल इज हैज़ चेंज्ड सो मच. सो
सो अभी मैं कुछ ऐसा कहूँगी नहीं कि आई विल कम, बट इफ इफ इट हैपन्स आफ्टर आफ्टर सम टाइम एंड तब थिंग्स नॉर्मल होगी तो आई वुड डेफिनेटली ट्रैवल ऑल द वे टू वॉच दैट मूवी बिकॉज आई नो दैट विल बी वर्थ वॉचिंग एंड दैट विल बी वर्थ ट्रैवलिंग ऑल द वे एंड एवरी थिंग. सो आई एम रियली एक्साइटेड इफ ही हैज ऐसा कुछ प्लान्स. एंड काफ़ी लंबा वीडियो हो गया but again original link is in the top of the description. Make sure you check it out. Make sure you check out the original channel as well because he has great content and Tabish Hashmi, he was very funny. He has more videos and they are funny as well, so do check it out if you haven't already. Mostly to aap logon ne dekha hoga, but if you haven't then do that. And if you like my videos then make sure to subscribe to my channel as well. And click the notification bell क्योंकि उससे notifications आता है and that way there is a very less chance of you missing out my future videos. So that's it. Take care and I will see you next time. Bye bye.